नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं, एम्स नॉर्सेट, एसएससी, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, पीजीआई और इसके अलावा एमपीसीएचओ, बिहार सीएचओ, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज की और विद रैशनल हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठाएं। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपनी ये जो छोटी सी कोशिश है उसका फायदा उठा सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है हम उन तक पहुंचा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि क्लाइंट वॉज जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए ब्रोंकोस्कोपी। आपका असाइनमेंट था कि ब्रोंकोस्कोपी से मरीज रिटर्न हुआ है, विच सेफ्टी मेजर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट। कौन सा सेफ्टी मेजर, क्या पूछा यहाँ पे, सेफ्टी मेजर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप एज ए नर्स जो है वहां पे इंप्लीमेंट करोगे। ब्रोंकोस्कोपी करा के पेशेंट आया है, कौन सा सेफ्टी मेजर आप इंप्लीमेंट करोगे। फर्स्ट ऑप्शन था मेंटेनिंग द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजिशन, सेकेंड ऑप्शन था प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद ए सेलाइन गार्गल एवरी 15 मिनट्स फॉर 2 आवर्स, थर्ड है मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स बिफोर पर ओरल इनटेक, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है स्प्रिंटिंग द एब्डोमेन व्हेन कफिंग। चार ऑप्शन लिखे हुए, आपको करेक्ट आंसर बनाना है। ब्रोंकोस्कोपी के बाद में सबसे पहली इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर क्या रहेगी, ब्रोंकोस्कोपी के बाद में इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर क्या रहेगी, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा विच इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, और कई लोगों ने कमेंट भी डाले, बहुत ही बढ़िया, विद रैशनल कमेंट डाले और अभी भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी, मॉनिटरिंग द क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम गैग रिफ्लेक्स पर ओरल इनटेक। ब्रोंकोस्कोपी में ब्रोंकोस्कोप जो है वो गले से होके लंग्स तक, ब्रोंकाई तक, ब्रोंकियोल्स तक जाता है, उनका एग्जामिन करने के पर्पज से हम यूज करते हैं ब्रोंकोस्कोपी। तो यहाँ पे जो गैग रिफ्लेक्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये थ्रोट का एक रिफ्लेक्सेज है। हम एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, गैग को एनेस्थेटाइज करते हैं और फिर ब्रोंकोस्कोप को यूज करते हैं। तो जब गैग जो उसका थ्रोट है वो एनेस्थेटाइज है तो वहां से इंस्ट्रूमेंट पास आउट होगा तो मरीज को दर्द नहीं होगा। अब प्रोसीजर कैरीड आउट हो चुका है और पोस्ट प्रोसीजर आपको पूछा है तो जब तक गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आ जाता, वो गला जो एनेस्थेटाइज हो चुका है वो अगर ठीक नहीं होगा तो अगर आप मरीज को आप कुछ भी स्वेलो करने के लिए दोगे, कुछ भी पर ओरल देखो दोगे तो मरीज जो है वो रिस्क पे होता है। किसकी रिस्क पे होता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मरीज जो है वो एस्पिरेशन की रिस्क पे होता है। एस्पिरेशन क्या होता है, वो कंटेंट जिसको स्टोमक में जाना चाहिए था, जैसे मरीज पानी पीता है, खाना खाता है, उसको स्टोमक में जाना चाहिए था, स्टोमक में नहीं जाके अगर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए उसको एस्पिरेशन कहते हैं। कोई फ्लूइड है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मरीज जो है वो एस्पिरेशन की रिस्क पे रहेगा। टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन यू हैव टू असेस गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स असेस करना पड़ेगा, एस्पिरेशन के रिस्क को प्रिवेंट करना पड़ेगा और मरीज की जान का जो जोखिम है यहाँ पे उसको हमें होने से प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या रहेगा, सी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है सुपाइन पोजीशन, तो इसके इससे एस्पिरेशन की रिस्क बढ़ती है, तो ये कभी भी काम में नहीं लेना होता है। मरीज को अगर सुपाइन पोजीशन आप दोगे तो एस्पिरेशन की रिस्क उल्टा ज्यादा होगी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द सेलाइन से गार्गल करेंगे हर 15 मिनट के अंदर एवरी 2 आवर्स, तो ये इनिशियली एक्शन नहीं रहता, सेलाइन गार्गल की जरूरत वहां पे नहीं है, थ्रोट एनेस्थेटाइज है मरीज का, ये भी एस्पिरेशन की रिस्क पे डालेगा पेशेंट को। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्प्लिंटिंग करेंगे एब्डोमेन को जब कफिंग करते हैं, ये वो मरीजों के लिए काम में लेते हैं जिनके एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। जब मरीज की एब्डोमिनल सर्जरी होती है और एब्डोमेन पे सूचरिंग की हुई होती है तो मरीज जो कफिंग करता है उस कफिंग की वजह से हो सकता है कि वो सूचर लाइन ब्रेक हो जाए, और सूचर लाइन के एब्डोमिनल सर्जरी में सूचर लाइन के ब्रेक होने से 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन को बोलते हैं डिहिसेंस, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है एविसरेशन। डिहिसेंस का मतलब होता है कि जहां पे सूचर लाइन है उसकी इंटेक्टनेस का टूट जाना और दोनों एज का सेपरेट हो जाना, इसको डिहिसेंस बोलते हैं। और एविसरेशन का मतलब होता है कि जो सूचर लाइन सेपरेट हुई है वहां से जो कंटेंट है अंदर, जो इंटेस्टाइन है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है, उनका उस जगह से बाहर की तरफ प्रोट्रूज हो जाना, एविसरेशन कहलाता है। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल सर्जरी के रहते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन ना हो मरीज को इसके लिए आपको एब्डोमिनल सर्जरी वाले मरीज में कफिंग के दौरान स्प्लिटिंग देनी है, कोई पिलो काम में लेना है,
है और जो सुचर लाइन है उसको सपोर्ट देना है, स्प्लिंट देना है, ताकि मरीज को ये कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, गैग रिफ्लेक्स को असेस करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ए 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम कोलन रिसेक्शन 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले कोलन का रिसेक्शन हुआ है। रिसेक्शन मतलब कोलन को आपने कट किया है, कोलन का कोई सर्जरी हुआ है, और रिसेक्शन ज्यादातर जो कोलन खराब हो जाता है, जो कोलन हम कह सकते हैं नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसके दोनों एंड को एंड रिसेक्ट करते हैं, कट करते हैं और एंड टू एंड एनास्मोसिस करते हैं और कोलन को हेल्दी वापस क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मरीज का कोलन रिसेक्शन हुआ है 2 आवर्स अगो। Which vital sign, कौन सा vital sign जो है वो indicate करता है कि मरीज में hemorrhagic shock की possibility है। ऐसे क्या vital sign मरीज में मिले जो ये possibility जताते हैं कि patient hemorrhagic shock के अंदर है। Vitals यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले option में blood pressure 120/80, second option में heart rate 88, second option में blood pressure 170/100 और heart rate 120, थर्ड ऑप्शन में ब्लड प्रेशर 160/98 और हार्ट रेट 54, और लास्ट ऑप्शन में ब्लड प्रेशर 96/60 और हार्ट रेट 120। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है कि मरीज में हेमरेजिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है। कौन सा ऑप्शन बताता है हेमरेजिक शॉक को, जो आप लिखेगा हेमरेजिक शॉक का इंडिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हेमरेजिक शॉक को यहाँ पे इंडिकेट करने वाला जो ऑप्शन है, हमेशा देखिएगा जब भी मरीज कोई शॉक में होता है तो शॉक की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो तो कम हो जाता है, जिससे ऑर्गन को टिश्यू को ब्लड का परफ्यूजन घट जाता है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर कम और हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है, ये शॉक के अंदर आने वाले वाइटल साइन होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्शन डी के अंदर ब्लड प्रेशर है 96/60, इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया है, और हार्ट रेट जो है वो 120 है, इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ी हुई है, और शॉक वाली कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो डेफिनेट करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, दैट इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 120/80 और हार्ट रेट 88, ये जो दोनों डाटा है ये नॉर्मल वाइटल साइन है, ये नॉर्मल वाइटल साइन है, ये प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा जो है वो शॉक वाली कंडीशन में नहीं होता, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द शॉक, आइदर इट इज हेमरेजिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक और भी किसी तरीके का शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो सबके अंदर जो है हाइपोटेंशन के साथ में टेकीकार्डिया होगा, एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है उसमें हाइपोटेंशन के साथ में ब्रेडीकार्डिया होता है, लेकिन बाकी सब में हाइपोटेंशन के साथ में टेकीकार्डिया होगा। तो यहां पे आंसर ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, हाइपोटेंशन के साथ में टेकीकार्डिया। क्लियर है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लाइंट नर्स विद न्यूली डायग्नोस्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक मरीज है जो न्यूली डायग्नोस हुआ है, एड्स बीमारी उसमें डायग्नोस हुई है, एड्स का फुल फॉर्म है यहां पे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और नर्स से पूछ रहा है क्लाइंट कि इफ इट इज नेसेसरी टू टेल कोवर्कर अबाउट द डायग्नोसिस, क्या मेरी बीमारी के बारे में कोवर्कर को बताना जरूरी है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। द नर्सेज रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन विच करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा, करेक्ट रेस्पॉन्स बताओ, है ना। मरीज अभी डायग्नोस हुआ एड्स का और कहीं काम कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं कोवर्कर को एड्स के बारे में बताऊं, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे बताओ कि आपका बेस्ट एक्शन क्या रहेगा, बेस्ट रेस्पॉन्स। फर्स्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स डजंट अकर थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं फैलता है। सेकंड है, एम्प्लॉई हैव ए राइट टू चूज विद होम दे विल वर्क, एम्प्लॉई को ये राइट है कि वो किसके साथ में काम करे, ये उसका पर्सनल राइट है। क्लाइंट विद एन एड्स डायग्नोसिस शुड नॉट वर्क इन पब्लिक प्लेस, जो एड्स का मरीज डायग्नोस हुआ है एड्स का, वो पब्लिक प्लेस पे काम नहीं कर सकता। और लास्ट ऑप्शन है, द लॉ रिक्वायर दैट एम्प्लॉय बी इन्फॉर्म ऑफ एन एड्स डायग्नोसिस, लॉ कहता है, नियम कहता है कि जो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना होता है अगर वो एड्स से डायग्नोसिस हुआ है तो। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, जो आप लिखिएगा फटाफट से कमेंट करिएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी अभी मरीज एड्स से डायग्नोस हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स एक बीमारी है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एचआईवी वायरस रहता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी इज द वायरस दैट कोज एड्स, और एड्स वाले मरीज में कोवर्कर के साथ में उसको वो बताए या नहीं बताए, ये आप उसने पूछा है, तो आपका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है लेकिन खोटे जवाब यहाँ पे ज्यादा है। देखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, ये सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स है नर्स का कि जो ट्रांसमिशन होता है एड्स का वो
कैजुअल कॉन्टेक्ट से नहीं होता है। आप किसी एम्प्लॉय के साथ में काम कर रहे हो तो आपके कॉन्टेक्ट जो है वो कैजुअल होता है। कैजुअल मतलब हाथ मिलाना, गले लगाना। तो हाथ मिलाने या गले लगाने से एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है। एड्स या एचआईवी वायरस जो है उसका ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से होता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है, एचआईवी का जो ट्रांसमिशन होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? ब्लड से, है ना। किससे होता है? ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से। ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो जब तक ब्लड और बॉडी फ्लूइड आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं तब तक एचआईवी जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता एक से दूसरे में। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि आप यही सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स होगा कि जो कैजुअल कॉन्टेक्ट है इससे एड्स या एचआईवी नहीं फैलता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी की उसको राइट है, या ऑप्शन सी कि वो पब्लिक एरिया में काम नहीं कर सकता, या ऑप्शन डी कि उसको सबको बताना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एचआईवी जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है और अकॉर्डिंग टू द रूल और गाइडलाइन जो है मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इफ पेशेंट इज सफर फ्रॉम एचआईवी ही नेवर शेयर दिस, है ना। और दूसरे अपने को भी दूसरों को नहीं बताना होता ये एचआईवी का पेशेंट है ना। क्योंकि पेशेंट का ये राइट है कि उसकी ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। तो ए बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। आपको सवाल को समझने में अगर दिक्कत हो रही है ना तो इसका एकमात्र कारण हो सकता है लाइक बटन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया। तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप कंटिन्यू द लर्निंग, प्रेस द लाइक बटन। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द क्वेश्चन इज आस्किंग ए क्लाइंट रिटर्निंग टू द रूम आफ्टर ए थायरॉइडेक्टमी। सर्जरी है, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करने वाली सर्जरी है, नाम है इसका थायरॉइडेक्टमी। थायरॉइडेक्टमी का मतलब होता है द रिमूव थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड है जो थ्रोट के अंदर पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है। विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड द नर्स प्लेस एट द बेड साइड। जब थायरॉइड सर्जरी के बाद में मरीज आया तो कौन सा इक्विपमेंट जो है आप बेड साइड रखेंगे? थायरॉइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद में कौन सा इक्विपमेंट जो है आप एज ए नर्स मरीज के बेड साइड में रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेकियोस्टोमी सेट, सेकेंड ऑप्शन है हीमोस्टेट, थर्ड ऑप्शन है चेस्ट ट्यूब सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है वायर कटर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद में मरीज आया है, कौन सा सेट जो है वो आप बेड साइड रखेंगे, है ना। थायराइड सर्जरी के बाद में क्या चीज बेड साइड रखेंगे? बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मतलब कंसेप्ट आपको पता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थ्रोट के अंदर, है ना, गले के अंदर पाई जाती है। जब थ्रोट के अंदर ये ग्लैंड की सर्जरी हुई है, इसको आपने रिमूव किया है, तो पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद में इस मरीज को थ्रोट वाले एरिया के अंदर एडिमा होने की संभावना है। क्या संभावना है? एडिमा होने की संभावना है। इसके अलावा थायरॉइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जब रिमूव हो जाती है थायरॉइड ग्लैंड के साथ में, तो पैराथार्मोन की कमी हो जाती है। कल हमने पढ़ा था पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से मरीज को होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मरीज को हो सकती है टिटेनी। क्या हो सकती है? टिटेनी। और टिटेनी में मस्क्यूलर स्पाज्म आते हैं। तो एक तो मस्क्यूलर स्पाज ड्यू टू द टिटेनी और एक पोस्ट सर्जिकल एडिमा। इस एडिमा और मस्क्यूलर स्पाज्म की वजह से मरीज को गले का एरिया है तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि वहां पे जगह कम हो गई है, रास्ता छोटा हो गया है, एक तो एडिमा की वजह से और दूसरा मसल के स्पाज्म की वजह से। तो जब थ्रोट वाला एरिया का गला जो है एरिया जो है वहां पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा और मरीज की अंदर गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, एयर अंदर एंटर नहीं होगी, तो उसको सांस में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। अगर मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुरंत ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। तो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद में जो बेड साइड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए उसका नाम है ट्रेकियोस्टोमी सेट। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकियोस्टोमी सेट बेड साइड होना बहुत जरूरी है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोस्टेट, चेस्ट ट्यूब सिस्टम या वायर कटर की जरूरत जो है थायराइड सर्जरी के बाद में मरीज के बेड साइड में नहीं रहती है। तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, करेक्ट आंसर ए बनेगा। ट्रेकियोस्टोमी सेट को आपको बेड साइड रखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द क्वेश्चन इज आस्किंग ए क्लाइंट विद ए हिप फ्रैक्चर इज रिसीविंग हिपेरिन सबक्यूटेनियसली। हिप फ्रैक्चर का पेशेंट है, हिप बोन का फ्रैक्चर हो चुका है और मरीज क्या रिसीव कर रहा है? हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, सबक्यूटेनियसली पेशेंट को दी जा रही है। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है
और ये एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है वो पेशेंट को दी जा रही है सबक्यूटेनियस। कैसे दी जा रही है? सबक्यूटेनियस। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो नर्स मॉनिटर करेगी जब मरीज को एडमिनिस्टर कर रहे हो आप दवाई, जब आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो आप मॉनिटर करोगे हिपेरिन दवाई के साथ में? लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसको पीटी लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन है विटामिन के का लेवल। थर्ड है आप एपीटीटी वहां पे चेक करेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और लास्ट ऑप्शन है आप फिब्रिन स्प्लिट लेवल वहां पे चेक करेंगे। फिब्रिन स्प्लिट लेवल का दूसरा नाम आप फिब्रिन डिग्रेडिंग फैक्टर्स है ना, प्रोडक्ट्स एफडीपी भी बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिपेरिन दवाई एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, सबक्यूटेनस दे रहे हो, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। हिपेरिन हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होती है। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है और एंटीकोएगुलेंट दवाई वो होती है जो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करती है। और हिपेरिन दवाई जब दी जाती है एंटीकोएगुलेंट ड्रग, तो हिपेरिन दवाई के साथ में इस एंटीकोएगुलेंट ड्रग के साथ में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होता है? दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक एंटीकोएगुलेंट का नाम है हिपेरिन, क्लियर करता हूं मैं। दूसरे एंटीकोएगुलेंट का नाम है वारफरीन, दूसरे एंटीकोएगुलेंट का नाम है वारफरीन। हिपेरिन जो होता है वो हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है, वारफरीन जो है वो ओरल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। ये जो हिपेरिन दवाई होती है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में, इसको हमेशा सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस दे सकते हो आप। वारफरीन जो होता है उसको हमने ओरल फॉर्म के अंदर देते हैं, इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस दे सकते हो। हिपेरिन जब दवाई किसी मरीज को देते हैं तो उसका जो ब्लड के अंदर टेस्ट करते हैं हम कि हिपेरिन का इफेक्ट कितना है, वो टेस्ट किया जाता है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और वारफरीन के साथ में जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीटीआईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। हिपेरिन के साथ में कौन सा टेस्ट कर रहे हो आप? एपीटीटी। वारफरीन के साथ में कौन सा टेस्ट कर रहे हो आप? पीटीआईएनआर। ये दो टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें हिपेरिन के बारे में पूछा, तो हिपेरिन के साथ के टेस्ट का नाम क्या रहेगा? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो वैल्यू है एपीटीटी की वो डेड से 1.5 to 2 times बढ़ जाएगी हिपेरिन के साथ में। पीटीआईएनआर की वैल्यू वारफरीन के साथ में, पीटी की वैल्यू भी 1.5 to 2 times बढ़ जाएगी, एपीटीटी आईएनआर की वैल्यू भी 2 to 3 times जो है वो बढ़ जाएगी जब आप दवाई दोगे। इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है तो अबनॉर्मल है, और जब वैल्यू अबनॉर्मल होती है तो पेशेंट जो होता है वो ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। किसकी रिस्क पे होता है? ब्लीडिंग की। और अगर मरीज को एंटीकोएगुलेंट लेते हुए ब्लीडिंग हो जाए तो हिपेरिन का एंटीडोट, अबे हिपेरिन को लेते हुए ब्लीडिंग हो जाए तो हिपेरिन का एंटीडोट दे देते हैं प्रोटामिन सल्फेट, एंटीडोट दे देते हैं प्रोटामिन सल्फेट। हिपेरिन लेते हुए अगर उसको ब्लीडिंग हो जाए तो इसका एंटीडोट दे देते हैं प्रोटामिन सल्फेट। वारफरीन को लेते हुए अगर मरीज को ब्लीडिंग हो जाए तो इसका एंटीडोट काम में ले लिया जाता है, और इसका एंटीडोट होता है विटामिन के, इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। तो हिपेरिन का एंटीडोट और वारफरीन के, दोनों के एंटीडोट। हमें क्वेश्चन में हिपेरिन के बारे में पूछा और हिपेरिन के टेस्ट के बारे में पूछा, लेबोरेटरी टेस्ट का। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं हिपेरिन का लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा होगा, एपीटीटी। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उस वो टेस्ट किससे संबंधित है? वारफरीन से। कोमोडिन नाम से दवाई आती है, वारफरीन से संबंधित ये टेस्ट है। विटामिन के जो है वो एंटीडोट है, और किसका एंटीडोट है? ये वारफरीन का एंटीडोट है, ठीक है। और फिब्रिन स्प्लिट लेवल जो होता है, इसको फिब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये डिग्रेड प्रोडक्ट जो होता है वो डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, प्रेगनेंसी के दौरान ये होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लगते हैं, और वो क्लॉट का टूटने का प्रोसेस होता है, हिमोलाइसिस होता है ना, और उससे मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। ये लेवल वहां पे चेक किया जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है ना। और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आई थिंक आपको पता चला होगा हिपेरिन और वारफरीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और इन दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर ये कंसेप्चुअल चीजें आपको समझ में आ रही है तो आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज के अंदर अप्रोच करनी चाहिए, जहां पे इसी तरह की कंसेप्चुअल स्टडी थ्योरेटिकल लेक्चर जो है वो लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5-star रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको,
कई लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया है और ऐप के डिफरेंट फीचर्स का हर व्यक्ति फायदा उठा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऐप है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज लेक्चर्स, डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे अवेलेबल होगी, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बस करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर देना है और सेटिंग में जाके उस ऐप को रेटिंग दे देनी है और अपना एक इंपॉर्टेंट सुझाव ऐप में डाल देना है। जब आप रेटिंग देके सुझाव डालेंगे तो इस ऐप के डिफरेंट फीचर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको वहाँ पे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेगी, MPCHO से संबंधित फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पे तुरंत अवेलेबल होगी। तो आपको बस ऐप को इंस्टॉल कर देना है, उसके फीचर से जुड़ जाना है, ऐप फ्रेंडली बन जाना है, क्योंकि इस ऐप के ऊपर वो सब आपको इन फ्यूचर में मिलने वाले हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ये तो तरीका है ऑनलाइन स्टडी, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का तरीका। अगर आपको ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करनी है तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी ढाई बजे से ये क्लासरूम स्टडी लगती है, इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्ट्रीट टाउन के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। टीम नोवल आपको ये सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। और अगर आप बेहतरीन भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, चाहे पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, चाहे ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी हो, चाहे साइकेट्रिक नर्सिंग हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च हो, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के माइक्रोबायोलॉजी और उससे संबंधित भी क्वेश्चन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन सब सब्जेक्ट को विद डिटेल लेक्चर स्टडी वहां पे कराई जा रही है। तो पहुंच जाइए टीम नोवल के संग और अपने भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट टीचिंग शुड द नर्स रीइंफोर्स टू ए यंग मेल एडल्ट रिगार्डिंग व्हेन ही शुड परफॉर्म टेस्टिकुलर सेल एग्जामिनेशन। एक यंग मेल क्लाइंट है, एडल्ट है, और उसको आप टीचिंग दे रहे हो किसके बारे में, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के बारे में। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन TSE बोलते हैं, इसको परफॉर्मेंस करने के बारे में आप टीचिंग देना चाहते हो एक यंग मेल एडल्ट को, तो क्या टीचिंग आप वहां पे प्रोवाइड करेंगे उसको। फर्स्ट है वीकली आफ्टर बिकमिंग सेक्सुअल एक्टिव, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद में हर सप्ताह उसको करना होता है ना, मंथली वाइल इन द सोवर, है ना, मंथली महीने में एक बार जब वो सोवर ले रहा हो उस समय करना होता है, बाई मंथली आफ्टर एज 40, 40 साल के बाद में महीने में दो बार, और एनुअली ऑन हिज बर्थडे, साल में एक बार जब उसका जन्मदिन आ जाए उस दिन, है ना। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ये मेल के अंदर इंपॉर्टेंट है टू अर्ली डायग्नोसिस और जल्दी अर्ली जो है डिटेक्शन ऑफ दी टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर मेल में टेस्टिकुलर कैंसर को अर्ली डायग्नोस करने और टेस्टिकुलर कैंसर को जल्दी से पकड़ने के लिए ये टेस्ट कैरिड आउट किया जाता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसका एग्जैक्ट टाइम कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन है पूछा है, कब होना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिव के बाद में, सप्ते में एक बार रोजाना मतलब पर वीक, या महीने में एक बार सोवर के समय, या 40 साल के बाद में दो बार, और साल में एक बार जन्मदिन वाले दिन, क्या जवाब होना चाहिए। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मंथली वाइल इन द सोवर, बी इज द करेक्ट वन, मंथली वाइल इन द सोवर। ऑप्शन ए वीकली, ऑप्शन सी बाई मंथली, ऑप्शन डी एनुअली, तीनों ही खोटे जवाब है, ये तीनों ही करेक्ट आंसर नहीं है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। करेक्ट आंसर बी रहेगा, मंथली चेक करें, और कब करें, जब मरीज सोवर ले रहा है उस समय करें। समझ गए बात को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा द नर्स इज रीइंफोर्सिंग टीचिंग टू ए क्लाइंट विद हाइटल हर्निया। नर्स जो है वो टीचिंग रीइंफोर्स कर रही है एक क्लाइंट को जो हाइटल हर्निया का क्लाइंट है, विच वुड बी इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, क्या चीज टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेंगे। एक नर्स है जो हाइटल हर्निया वाले मरीज को टीचिंग प्लान दे रही है। हाइटल हर्निया क्या होता है, इसोफेगस और स्टोमक और उसके बाद में इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे दो चौकीदार होते हैं, ये ऊपर वाला चौकीदार इसको कार्डियक स्प्रिंटर कहते हैं, और ये नीचे वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले चौकीदार को पाइलोरिक स्प्रिंटर बोलते हैं। जो भी फूड आइटम आप माउथ से लेते हैं वो इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, स्टोमक के अंदर आ जाएगा,
और स्टोमक में आने के बाद में वो फूड मटेरियल जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो जो भी फूड आइटम इसोफेगस से स्टोमक में आ जाता है, स्टोमक में आता तो है लेकिन स्टोमक से वापस नहीं जा सकता। जब वो वापस जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो ये स्पिंक्टर है ना, जो स्पिंक्टर है जो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में है, इसको लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर के नाम से हम जानते हैं, या इसी को हम कार्डियक स्पिंक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्डियक स्पिंक्टर। ये स्पिंक्टर क्या करता है कि स्टोमक के सामान को इसोफेगस में नहीं जाने देता है और इसको जाने से प्रिवेंट करता है। जिस मरीज को हाइटल हर्निया हो जाता है, हाइटल हर्निया वाले मरीज में क्या होता है कि ये जो चौकीदार है ये लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर लूज हो जाता है और ये हर्नियट हो जाता है यहां से अपनी जगह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं हाइटल हर्निया वाले मरीज में वो इसोफेगस के अंदर आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स। इस मरीज में रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम रहती है। रिफ्लक्स का मतलब होता है उल्टा फ्लो होना। जो भी सामान इसोफेगस से स्टोमक में वो आंत में जाएगा लेकिन ये आंत में नहीं जाके स्टोमक से वापस इसोफेगस में आ जाता है, इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। तो रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम मरीज में देखने को मिलती है, उसकी वजह से पेशेंट सफर करता है। और किससे सफर करता है? उसके रिगर्जिटेशन की वजह से उसका इसोफेजियल बर्निंग होता है। इसको हम पायरोसिस के नाम से जानते हैं। पायरोसिस बोलो या इसी को हम हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, पायरोसिस होता है। तो टू प्रिवेंट पायरोसिस, हार्ट बर्न और रिफ्लक्स और रिगर्जिटेशन क्या इंपॉर्टेंट टीचिंग प्लान देंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मरीज को कहेंगे ईट ए प्योर्ड डाइट, सेकंड अवॉइड द इनटेक ऑफ स्वीट, थर्ड है रिमेन इन द अपराइट पोजिशन आफ्टर मील, और लास्ट है लिमिट प्रोटीन टू 3 ऑन 1 a day। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईट ए प्योर डाइट। प्योर डाइट का मतलब होता है दलिया कह सकते हैं, दलिया खिलाना, ऐसा खाना, सॉफ्ट डाइट कह सकते हो इसको एक नाम से, सॉफ्ट डाइट, जिसके अंदर ऐसा खाना जिसको मरीज को चबाने की जरूरत ना पड़े और वो सीधा उसके स्टोमक में चला जाए। इस तरीके के कंटेंट की जरूरत, ऐसी डाइट की जरूरत नहीं होती हाइटल हर्निया वाले पेशेंट के अंदर, क्योंकि ऐसी डाइट के रिगर्जिटेशन की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। बी ऑप्शन है अवॉइड द इनटेक ऑफ स्वीट। तो स्वीट इंटेक कर सकता है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। स्वीट इंटेक को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। जो अवॉइड करने वाले इंटेक होते हैं वो होते हैं जो स्टोमक को प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेट करते हैं, लाइक कॉफी, कोला, टी, ये चीजें, कैफीन वगैरह, ये चीजें नहीं लेनी होती है ना, उन चीजों को अवॉइड करना होता है। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में लिखा है लिमिट प्रोटीन, तो प्रोटीन को लिमिट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, रिमेन इन एन अपराइट पोजीशन आफ्टर मील। खाना खाने के बाद में पेशेंट को किस पोजीशन में रहना है? अपराइट पोजीशन रहना। अपराइट पोजीशन में रहने से क्या फायदा होगा? रिगर्जिटेशन कम होगा, रिफ्लक्स कम होगा, और जब रिफ्लक्स कम होगा तो पेशेंट जो है उसको पायरोसिस, चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न, ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जब लूज होता है तो मरीज को अपराइट पोजीशन में रखना होता है, और ये पोजीशन क्या करती है? टू प्रिवेंट। क्यों देते हैं ये पोजीशन? टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स। आप रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन प्रिवेंट करना चाहते हो तो पेशेंट को अपराइट पोजीशन के अंदर रख दो। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट हु इज एंड स्टेज सिरोसिस। मरीज किस पे है? एंड स्टेज सिरोसिस पे है। शुड रेस्ट्रिक्ट विच ऑफ दीज फूड। कौन से फूड आइटम रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं? मरीज जो है वह एंड स्टेज सिरोसिस का मरीज है। सिरोसिस जो है वो लीवर की बीमारी है। लीवर की हार्डनिंग हो जाना, हार्डनिंग ऑफ लीवर, लीवर का हार्डनिंग हो जाना सिरोसिस ऑफ लीवर कहलाता है। और मरीज को अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है और उसकी भी एंड स्टेज के ऊपर पेशेंट है, तो कौन सा फूड आइटम आप पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट करोगे? तो जो मरीज सिरोसिस की एंड स्टेज के ऊपर होता है उस मरीज को प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन उसका इंटेक जो है वो आपको कम करना होता है। क्योंकि अगर आप मरीज को प्रोटीन देते हो तो ये प्रोटीन जो है अमोनिया में कन्वर्ट होती है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है इंटेस्टाइन में, तो ये क्या बनाती है? प्रोटीन अमोनिया बनाती है, और अमोनिया लीवर में जाती है, लीवर में यूरिया साइकिल चलता है, और लीवर जो होता है यूरिया साइकिल के थ्रू लीवर जो होता है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और ये करने का काम कौन करता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लोरा है मेटाबोलाइज करके किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में, NH3 आप बोल सकते हो इसको, और अमोनिया को लीवर यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट करता है। और ये यूरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहां पे क्या हुआ है, हमारा जो लीवर है वो सिरोस्ड हो गया है, हार्डनिंग हो गया है, उसका काम बंद हो गया, यूरिया साइकिल बंद हो गया। तो ये जो अमोनिया है ये आपकी किस में कन्वर्ट नहीं होगी? यूरिया में। जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और ये अमोनिया जो है वो टॉक्सिक
पैदा करती है ब्रेन के लिए, और उसकी वजह से मरीज को जो है वो हिपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो अगर आप पेशेंट में हिपेटिक एनकेफेलोपैथी होना नहीं देना चाहते, इसको प्रिवेंट करना चाहते हो, तो आपको प्रोटीन के इंटेक को ही रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन है, पहले में है एप्पल, दूसरे में ब्रोकली, तीसरे में बीफ और चौथे में रोल्स। और जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है बहुत अच्छे, कुछ लोग पहचान गए हैं कि प्रोटीन रिच सोर्स इन चार में कौन सा है, एंड एग्जैक्टली दैट इज ए नॉन वेजिटेरियन डाइट, दैट इज बीफ। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एनिमल प्रोडक्ट प्रोटीन रिच होता है बीफ, इसके इंटेक को आपको बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये खोटे जवाब है, क्योंकि ये प्रोटीन लो डाइट होती है, इनमें प्रोटीन नहीं होता है। आइदर एप्पल, ब्रोकली जिसको गोभी कहते हैं, या रोल्स, इनमें प्रोटीन नहीं होता है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीफ का इंटेक वहां पे नहीं करना होता है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। देखे कुछ लोगों को कंसेप्ट इसलिए समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। लाइक करिए, शेयर करिए कंटेंट को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके का कंटेंट जो है उन सब लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने ये तय कर लिया है कि अब रुकना नहीं है, नॉर्थ सेट तक रुकना नहीं है, हमें नॉर्थ सेट क्रैक करना है। 2021 का नॉर्थ सेट आप लोगों का इंतजार कर रहा है। बस आपको जरूरत है एक बेसिक कंसेप्चुअल स्टडी की, और ये कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ हम यहाँ पे डेली सोल्व करते हैं, और ये कंसेप्चुअल स्टडी हमें नॉर्थ सेट को क्रैक करने में बहुत फायदा करेगी। तो आप, अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो ये मटेरियल उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके माँ बाप ने सपना देखा है कि उनका बच्चा भी एम्स के अंदर जॉब करे, और जिन माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा एम्स में जॉब करे, तो उनकी इमोशंस कितने जुड़े होते हैं उन बच्चों से, और उन बच्चों को ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों तक इसको शेयर करें। देखिएगा, मैं अगर शेयर करूंगा कई लोगों तक, तो मैं कुछ ही लोगों तक अप्रोच कर सकता हूं। आप 100 लोग अगर मेरे साथ में जुड़ के शेयर करेंगे तो हम 101 बन जाएंगे, और एक टीम जब काम करती है तो डेफिनेटली उसकी अप्रोच कई लोगों तक हो सकती है। तो मददगार बने, हेल्पिंग हैंड बने, लोगों तक मटेरियल को पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि ये मटेरियल अगर आप डेली देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये मटेरियल काम का है साहब, इससे सिलेक्शन होता है, तो मैं कहता हूं ये हर आदमी के लिए काम का है। ईमानदारी ये होती है, मोरलिटी ये होती है कि हमें इंसानियत दिखानी होती है। इंसानियत, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनना लाइफ में जरूरी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। मैं कहता हूं कि नौकरी बहुत आराम से लग जाएगी आपकी, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा बनना बहुत मुश्किल है इस दुनिया के अंदर। आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान तभी बन पाओगे आप, जब आप किसी इंसान की मदद करने के काबिल बनोगे। तो बस इतना सा करिएगा कि इंसान की मदद करिएगा। अच्छा, आपको लाइक बटन प्रेस नहीं करना है तो मत करिए, आपको कमेंट नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन शेयर करके लोगों तक कंटेंट पहुंचाइए जिससे उनकी मदद की जा सके, और हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है वो सफल हो सके। बस इतनी सी ख्वाहिश है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इनिशियल फर्स्ट एड फॉर ए क्लाइंट विद अ थर्मल बर्न। मरीज जो है उसको फर्स्ट एड दे रहे हो आप, और मरीज को हुआ क्या है? थर्मल बर्न हुआ है। दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न, है ना, डिफरेंट टाइप के बर्न हम पढ़ेंगे, उसमें थर्मल बर्न जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन बर्न होता है ना, मोस्ट कॉमन बर्न। आपको कोई पूछे, सबसे ज्यादा जो बर्न होता है वो थर्मल बर्न ही होता है, स्काल्डिंग की वजह से होता है। तो थर्मल बर्न हुआ है कम्युनिटी सेटिंग के अंदर, और आप फर्स्ट एड दे रहे हो, कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट? मरीज को थर्मल बर्न हुआ है कम्युनिटी सेटिंग के अंदर, कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आप अप्लाई करोगे बिटाडीन ऑइंटमेंट मरीज के अफेक्टेड एरिया के ऊपर, सेकंड है आप कवर करोगे बर्न को ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से, थर्ड यहाँ पे आप फ्लश कर दोगे बर्न एरिया को कूल वाटर से, और लास्ट है यहाँ पे आप रिमूव करोगे एडियन क्लॉथ को जो मरीज के बर्न एरिया के ऊपर एडियन हो रखा है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या पहला प्रायोरिटी एक्शन आपका यहाँ पे रहेगा बर्न वाले मरीज में कम्युनिटी सेटअप के अंदर? अप्रोप्रिएट एक्शन। थर्मल बर्न में पेशेंट आया है, फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है ज्यादातर थर्मल बर्न, और अगर वहां पे जो है वहां पे अगर हम कह सकते हैं कि फफोले बन जाते हैं मरीज को, ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो ये सेकंड डिग्री टाइप का बर्न रहता है। बर्न की चार डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। चार तरीके के बर्न होते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम हम डिटेल से पढ़ते हैं, है ना, सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न, ऐसे चार तरीके के बर्न होते हैं। तो इन चार डिग्री के बर्न और उनमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसको
डिटेल वीडियो लेक्चर के साथ में पढ़ने के लिए आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ना पड़ेगा। ये चीजें भी इन फ्यूचर आपको सारी बताई जाएगी, ये थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें इन बर्न की, तो ये सुपरफिशियल बर्न है, ये ज्यादातर फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है, और जब ये बर्न फर्स्ट डिग्री का होता है तो उसमें वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना। फर्स्ट डिग्री जब बर्न होता है ना, सबसे ज्यादा बर्न जो है पेनफुल सेकंड डिग्री होता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न भी कैसा होता है, पेनफुल होता है। क्या होता है? पेनफुल। और ये पेन ज्यादातर होने का रीजन होता है कि वहां पे जो नर्व एंडिंग है उसको हीट, जो गर्म चीज है ना, बर्न हुआ है, थर्मल बर्न है, हीट है, वो उन नर्व को बार बार इरिटेट कर रही है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो उसकी हीट को कम करने के लिए, नर्व की हीटिंग वाले सेंसेशन को कम करने के लिए हमें वहां पे कूल चीज की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? कूल चीज की। और यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, फ्लश करो बर्न एरिया को कूल वाटर से। तो ये सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन होता है कि जब भी आपको कहीं बर्न हो जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, कूल पानी के अंदर उसको नीचे रख के उसको लगातार जो है फ्लश करते रहना है। जितना कूलनेस वहां पे आएगी, जितना ठंडा पानी वहां पे लगेगा, उतना ही मरीज को वहां पे पेन का सेंसेशन कम हो जाएगा, हीट का प्रोसेस कम हो जाएगा, बर्न और वर्स्ट होने से रुक जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एक्शन हमेशा क्या रहेगा कि आप कूल वाटर से उस बर्न एरिया को फ्लश करते रहो। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आप लोगों का इस तरीके का आंसर देना आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। कमेंट हर लोग करेंगे, आप कमेंट करते हो, आप में कॉन्फिडेंस आता है। देखो कमेंट करने से क्या होगा, या तो गलत होगा या सही होगा, है ना। गलत होगा तो हम सही कर देंगे, और सही होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए सब लोग कमेंट करें, लाइक बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, तब आप बेहतरीन स्टडी का आनंद उठा पाओगे। क्योंकि बिना लाइक किए हुए जो है सही आंसर बनते नहीं है, और बिना कमेंट किए हुए जो आपको पता भी नहीं चलता है कि सही हो या गलत हो। यस और नो, गलत होने से डरे नहीं, अपने में सुधार करें और अच्छी तरीके से आगे बढ़े, है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर सी बनेगा, ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन बी जो है, ऑइंटमेंट को अप्लाई करना और ऑक्लूजिव ड्रेसिंग करना, ये लेटर ऑन एक्शन है ना। ये सबसे पहले एक्शन पे नहीं आते, ये लेटर ऑन हम करेंगे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी तो ये है कि मरीज जो है उसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये पहली प्रायोरिटी थी। और ऑप्शन डी जो है कि एडियर क्लोथिंग जो है उनको रिमूव करेंगे, रिमूव। अब बर्न होने के बाद में आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो पेन और बढ़ेगा, नर्व प्रॉब्लम इरिटेट होगी। तो आप जब कूल वाटर डाल रहे हो तो एडियर ड्रेसिंग को वहां रहने दो, अभी उसको रिमूव नहीं करना होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही इनअप्रोप्रिएट एक्शन है। ऑप्शन सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन है कि आप फ्लश करो उस बर्न वाले पार्ट को कूल वाटर के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5-star रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कर देना है और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है जिसमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स वहां पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर इन फ्यूचर इस ऐप के ऊपर आने वाले हैं। तो आपको बस ऐप को इंस्टॉल करना है और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को बार बार आपको वॉच करते रहना है। सब मटेरियल वन बाय वन इस ऐप के ऊपर आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आपको बस इस ऐप से जुड़ना है और ऑनलाइन क्लासरूम स्टडी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हो, पीडीएफ वगैरह, तो वो सब इसी ऐप के ऊपर इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं। कुछ चीजें आपको वहां पे अवेलेबल है, तो आप जो है रेटिंग देके उस ऐप को जब इंस्टॉल करके आप रेटिंग देंगे तो आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज, जहां पे एनक्लेक्स बेस के पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करो, फिर विद रैशनल उन क्वेश्चन को समझो। और अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है, आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट कम बन रहे हैं, आप सवाल का जवाब ढंग से दे नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, इन क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आती है, तो आपको करना क्या है, आपको ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ जाना है। टीम नोवल जो कि ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी चलाती है, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो लैरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर में लग रही है। इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है, 2:30 बजे से क्लासेज लगती है, तो आप अप्रोच करिए। वहां पे आपको थ्योरेटिकल चीजों के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पॉइंट ऑफ व्यू में करवाई जा रही है जिससे आप नॉर्सेट जैसे पेपर को क्रैक कर सके। तो बस आपको कंसेप्ट बनाने हैं तो टीम नोवल से जुड़ जाइए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर यही खत्म करते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्ट एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आप लोगों से गुजारिश, वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप इसी राजू सर के नाम से YouTube चैनल पे है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।